तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 3 जुलाई 2024 से जहां सभी कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, इन सभी ने अपने जो रिचार्ज प्लान है इनको बहुत ही ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर बीएसएनएल की तरफ से बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो इनके जो 2 साल से जो रिचार्ज प्लान है इनके रेट बढ़ाए तो नहीं थे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने देखा कि अदर कंपनियाँ ने अपने जो रिचार्ज हैं इनके बढ़ा दिया है, तो इससे में इन्होंने अपने जो रेट है पहले से और भी ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हजारों, लाखों, करोड़ों में लोगों ने अपने जो बीएसएनएल पर जो नंबर है वो पोर्ट करा लिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों कौन कौन से वैल्यू फॉर मनी रिचार्ज प्लान है बीएसएनएल के, आज के इस वीडियो में हम इनके बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक नंबर है बीएसएनएल का, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इनका जो सबसे पहला रिचार्ज आ जाता है ये 107 रुपये का है, जहाँ पर आपको 35 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है और 200 मिनट की यहाँ पर आपको कॉलिंग मिल जाएगी 35 दिनों के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका एक रिचार्ज है जो कि 199 रुपये में 30 दिन की इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, अनलिमिटेड इसमें आप कॉलिंग कर पाएंगे, 100 SMS आपको डेली मिलेंगे, 2 GB का डेटा आपको पर डे मिलेगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रिचार्ज है। इसके बाद यहाँ पर एक रिचार्ज आ जाता है इनका जो है 147 रुपीज़ का, 147 रुपीज़ के रिचार्ज में यहाँ पर आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, अनलिमिटेड इसमें भी आपको जो है कॉलिंग मिलेगी और 10 GB का डेटा है 30 दिनों के लिए, यानी कि 10 GB डेटा ही आपको मिलने वाला है, 30 दिनों तक आपको यूज़ करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक जो रिचार्ज है वो 485 रुपये का है, जो कि 82 दिनों के लिए है, इसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS प्रतिदिन मिलने वाले हैं, 1.5 GB प्रतिदिन के हिसाब से डाटा मिलेगा 82 दिनों के लिए। इसके बाद में यहाँ पर एक 299 का रिचार्ज है, जहाँ पर 30 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड इसमें कॉलिंग है और यहाँ पर जो है 3 GB डेटा आपको पर डे मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर एक और रिचार्ज आ जाता है 399 का, जहाँ पर 70 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड इसमें भी आपको कॉलिंग मिलेगी और 1 GB प्रतिदिन का इसमें डाटा मिलने वाला है और 100 SMS मिल जाएंगे आपको। साथ ही यहाँ पर एक और रिचार्ज आ जाता है जहाँ पर आपका जो है 319 रुपये का रिचार्ज है, जहाँ 65 दिनों की आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड इसमें भी आपको कॉलिंग मिल जाएगी 65 दिनों के लिए, 10 GB इसमें डाटा मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर एक है 247 रुपये का रिचार्ज, जहाँ पर 30 दिनों की वैलिडिटी, साथ ही अनलिमिटेड इसमें कॉलिंग मिल जाएगी, 100 SMS मिलेंगे और 50 GB डेटा आपको मिलेगा, हाई स्पीड डेटा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ये भी जो रिचार्ज है काफ़ी बढ़िया रिचार्ज है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कुछ रिचार्ज हैं जो कि आप कर सकते हैं बीएसएनएल के। साथ ही एक रिचार्ज और मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल रिचार्ज जो कि अगर आप साल भर के लिए कराना चाहें तो वो भी एक बढ़िया रिचार्ज है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये देखें आप, ये 1999 का एक रिचार्ज होता है, ये देखें आप 1999 का, जहाँ 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 100 SMS पर डे मिलेंगे और यहाँ पर अनलिमिटेड आपको कॉलिंग मिलने वाली है 365 दिनों के लिए, तो ये भी काफ़ी बढ़िया जो है रिचार्ज है। 600 GB डेटा यानी 1.5 GB लगभग आपको डाटा पर डे मिलने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ रिचार्ज थे जो दोस्तों काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है अदर के कंपैरिजन में। आप देखेंगे दूसरी कंपनियों के जो रिचार्ज हैं लगभग लगभग डबल हैं इनसे, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपने जो नंबर हैं उनको बीएसएनएल पर पोर्ट करा लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।